अस्सलाम वालेकुम, आरएनएल न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी, किसी भी वक्त पाकिस्तान रवानगी का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो गया। नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया और इसकी मुद्दत 10 साल है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने कब्ल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की थी। सेवन शरीफ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्का इंतखाब की अवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। गुज़श्ता 6 माह से पीने के पानी और बिजली की गैर अलामिया तवील लोड शेडिंग और इंतजामिया की गफलत और नाअहली ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। सेवन शरीफ और गिरदनवा के तकरीबन तमाम इलाकों में पीने के पानी की किल्लत और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शदीद बहरान की सूरत इख्तियार कर ली है। बाख्तियार सैयद मुराद अली शाह के इलाके की बेख्तियार और बेबस अवाम दूर दराज से पीने के पानी का बंदोबस्त करने और शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर है। मुख्तलिफ वक्त पर अवाम की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है और मीडिया की तवज से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की गई है, मगर अफसोस और बेहिसी की हद ये है कि ताहाल वज़ीर आला समेत किसी ने भी अवाम के इस बुरे हाल के ऊपर तवज्जो तक ना दी। सेवन शरीफ की अवाम ने थक हार के मुराद अली शाह से ये गुजारिश कर दी कि खुदारा हमें नौकरियां और दूसरी सहूलियात भले ही ना दो, मगर बस जीने के लिए पानी और बिजली तो दिलवा दो। सकरण राजकुमार ओट के मुताबिक कौम परस्त जमात सिंध तरक्की पसंद पार्टी सकरण की जानिब से महकमा पुलिस के खिलाफ और एसएसपी शहीद बेनजीर आबाद को फिलफोर हटाने और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान पर दहशतगर्दी के केस हटाने के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल की। ताहम पुलिस की जानिब से तमाम कारोबार खुलवा कर कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू करवा दी, जबकि डीएसपी और एसएचओ की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी शहर में गश्त कर रही है। मलिर प्रेस क्लब के बाहर फायरिंग की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुसलह मुजमान की जानिब से मलिर प्रेस क्लब के बाहर स्ट्रीट फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। मलिर प्रेस क्लब के बाहर एसटीपी कारकुनान के एहतजाज के दौरान मुसलह मुजमान हमला आवर हुए। फायरिंग में एसटीपी कारकुनान जख्मी हुए। दहशतगर्दी के दौरान साफी प्रेस क्लब के अंदर महसूर हो गए। प्रेस क्लब के बाहर खुलेआम हमले और दहशतगर्दी के दौरान मलिर पुलिस गायब रही। साफियों को तहफ़ुज़ फराहम करने के लिए काउंसिल के सदर गाजी जंडेर का कराची पुलिस चीफ से राबता। वज़ीर आला सिंध आईजी पुलिस से मुतालबा करते हुए मुजरिमान को गिरफ्तार और प्रेस क्लब को सिक्योरिटी फराहम की जाए। सकरण राजकुमार ओट के मुताबिक सकरण कौमी शाहरा के करीब मोरगो लाखो लिंक रोड पर सरसों के बोसे से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली से 18 साल नौजवान अब्दुल सतार चांडियो गिरकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में 18 साल नौजवान अब्दुल सतार चांडियो ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों की जद में आकर मौके पर ही जान बहक हो गए, जिन्हें हमदर्द फ्री एम्बुलेंस के जरिए तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों की जानिब से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश वर्षा के हवाले की गई। लाश घर पहुँचने पर सफेद मातम बिछ गया। एसएसपी जिला कीमाड़ी फिदा हुसैन जावरी, एसपी बल्दिया फैजान अली की सरबराई में मोटरसाइकिल लिफ्टर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना मदीना कॉलोनी एसआईपी गुलाम रसूल अरबाब की सरबराई में मदीना कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। बमुकाम मेन रोड D19 चौक सैदाबाद बल्दिया टाउन से मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम बेनाम मुनसिब बल्दियार दोस्त गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 जर्ब पिस्टल, 30 बोर बमा, 3 अदर राउंड और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मोटरसाइकिल अमरी बाला को बजरिया CPLC चेक करवाया गया, जो कि थाना साइड ए के मुकदमा मसरू का मालूम हुई। गिरफ्तार शुदा मुलजिम के खिलाफ थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम बाला इससे कबल दर्ज जेल मुकदमों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
एसएसपी सैयद अब्दुल रहीम शेराजी की हिदायत पर एसपी गुलशन इकबाल डिवीजन डॉक्टर अब्दुल खालिक की ज़ेर निगरानी दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। पहली कार्रवाई थाना गुलशन इकबाल पुलिस से दो मनशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में रिजवान और अब्दुल कादिर शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 235 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान को दौरान गश्त ब्लॉक से ज़ियाउल्लाह कॉलोनी के करीब से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुलजिमान का साबिका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है और मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी कार्रवाई थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने हुक्का शीशा फरोख्त करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इलाका गश्त पुलिस को खुफिया इत्तला मिली के बमुकाम पिज़्ज़ा टुडे में अल्लामा शबीर उस्मान रोड ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल में मुजरे से शीशा हुक्का चला रहा है। हस्ब इशारा मुखबिर खास एक मुलजिम को पकड़ा जिसने दरियाफ्त पर अपना नाम सैयद मेहदी वल सैयद जाफर बतलाया। मुलजिम से 3 अदद हुक्का शीशा 2 डब्बे फ्लेवर पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजिम ने मालिक का नाम अनस बताया। मुलजिम का साबिक रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है और मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिटी डकैती स्ट्रीट क्राइम से मुलविस मुलजिम दौरान वारदात गिरफ्तार। मुलजिम को शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का नाम इस्माइल है। मुलजिम से 1 पिस्टल बमा 4 राउंड्स और 1 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिम को इलाका थाना कलरी की हदूद से दौरान पेट्रोलिंग गिरफ्तार किया गया जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। बरामदा चोरी शुदा मोटरसाइकिल का मुकदमा इलाका थाना बगदादी में दर्ज है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम से मफरूर साथियों के मुतालिक भी पूछताछ जारी है। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम से बरामदा असलाह फोरेंसिक के लिए रवाना। अजीजाबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ पुलिस मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में जबकि एक डाकू ताकुब के बाद गिरफ्तार। जख्मी मुलजिम की शनाख्त माजिद बल शब्बीर उल दीन के नाम से हुई है जबकि दूसरे गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सिकंदर वल्द अमजद भट्ट के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 अदर टीटी पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, नकद, 2 अदर टच मोबाइल फोन, रकम और 1 अदर छीनी हुई मोटरसाइकिल होंडा 70 बरामद। बरामदा मोटरसाइकिल थाना अजीजाबाद की हदूद से छीनी हुई थी जिसका मुकदमा पहले से दर्ज है। पुलिस ने दौरान गश्त मोटरसाइकिल पर सवार अशखास को रोकने का इशारा किया था। मुलजिमान रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। पुलिस ने ताकुब के बाद दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में जबकि दूसरे साथी को ताकुब के बाद गिरफ्तार किया। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है जबकि मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और नाजायज असले के मुकदमा दर्ज करके शोबा तफ्तीश के हवाले किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मलिर पुलिस का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मलिर सिटी पुलिस का लासीगोट के करीब छापा। छापा मक्सीगोट मलिर नदी किनारे के साथ मारा गया। दो बदनामी जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। हीरोइन बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान जानजेब अली उर्फ अना वल्द अब्दुल अलीम और राशिद उर्फ राशिद लशारी वल्द लाल मोहम्मद काफी अरसे से मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान से 150 ग्राम हीरोइन बरामद। मुलजिमान आदि जराइम पेशा है जिनका साबिका रिकॉर्ड भी है। मुलजिमान पहले भी मंशियात समेत गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिमान नाजायज असलाह रखने और पुलिस मुकाबला समेत दीगर मुकदमात में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान का साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात कब्जे में रखने फरोख करने का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनए न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।